कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ है उसके बाद पूरे देश में हंगामा है। सिर्फ डॉक्टर्स ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों के मन में ये सवाल है कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हमारे लिए सेवियर है, हमारी जान बचाते हैं, सरकारी अस्पतालों में दिन रात नौकरी करते हैं, आखिर उनकी सुरक्षा कितनी है सरकारी अस्पतालों के भीतर, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं नोएडा के सेक्टर 39 के जिला चिकित्सालय में। और आपको बता दें कि एम्स के बाद दूसरे नंबर पर ये भारत भर में आता है हॉस्पिटल, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वेंटिलेटर हमने यहाँ पर देखे हैं, मतलब सुविधा बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल वही कि सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं, क्योंकि मैटर्निटी वार्ड हो या फिर नर्सिंग स्टाफ हो, ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट, ज़्यादातर महिलाएँ ही होती हैं, दिन रात नौकरी करती हैं वो यहाँ पर, वो कितना सेफ फील करती हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर रीनू अग्रवाल जो कि CMS हैं इस हॉस्पिटल की, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर रीनू, एक तो आप खुद महिलाएं, तो आई एम श्योर कि सिक्योरिटी के लिहाज से आप और ज़्यादा ध्यान देते होंगे, संभालते होंगे चीज़ों को। लेकिन इस हॉस्पिटल में सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसी को देखते हुए आप हमारा एंट्रेंस पॉइंट देखिए, एक पहले मैं आपका वो रेस्ट रूम देख लूँ। हाँ, रेस्ट रूम आइए। रेस्ट रूम हमने बिल्कुल नर्सिंग स्टेशन के ठीक अपोजिट बनाया है, हाँ। कि अगर डॉक्टर कोई रेस्ट करने, खाना खाने, कुछ भी पर्पस से अगर अपने कमरे में आता है, हाँ। तो अगर उसके संग कुछ भी गलत, पहली बात तो होगा नहीं, होता है तो सामने नर्सिंग स्टेशन है, और यहाँ पर पूरा CCTV कैमरा भी हमने लगा रखा है, हाँ। पूरा हॉस्पिटल CCTV कैमरे पर हमारा कवरेज उसकी रहती है, हाँ। और गार्ड हमारा एंट्रेंस पे एक मौजूद रहता है, जो रजिस्टर रखा जाता है उसमें जो भी अटेंडेंट के संग अटेंडेंट आता है पेशेंट के संग, उसका मोबाइल नंबर और नाम नोट किया जाता है, और उस मेन गेट पे आप देखिएगा CCTV कैमरा लगा है और उसका पूरा फोटो कैट। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि CCTV कैमरा है, और यहाँ पे ना फीमेल स्टाफ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि ये गायनी डिपार्टमेंट है, तो सारा नर्सिंग जो है स्टाफ है हमारा फीमेल ही है, डॉक्टर्स फीमेल हैं, और पेशेंट लोड भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ 20-25 डिलीवरी डेली होती है, 7-8 सिजेरियन होते हैं, और हमारी 3 से 3,500 की OPD है, रोज़ डेली OPD 3,500 है, 240 बेडेड हॉस्पिटल है, पर यहाँ 381 बेड्स हमने डाल रखे हैं, और इस समय भी हमारे पास 300+ पेशेंट एडमिटेड हैं। मतलब जी, 3,000 की OPD कर रहे हैं तो 3,000 लोग साथ में आते होंगे। 3,500 की OPD है तो 3,500, एक के साथ एक तो आएगा, 7,000 पेशेंट मतलब पर पीपल रोज़ इस कैंपस में आके घूम के चले जाते हैं। ये ना एंट्रेंस आप बता रहे हैं, अच्छा ये अनिल जी दिखाएंगे आपको, हाँ ये गायनी का एंट्रेंस है और सिंगल एंट्रेंस है, बाहर आपको गार्ड भैया मिलेंगे, मतलब आप इतनी आसानी से अंदर नहीं आ सकते, ज़रा देखिए। सिंगल एंट्रेंस इस सेंस में नहीं कि मान लीजिए सिंगल एंट्रेंस है तो हम कोई अगर यहाँ पर आपदा आ जाए तो हमारी एंट्रेंस बहुत सारी है, अंदर हमारी 9 लिफ्टें हैं, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ से हम सबको लॉक लगा के रखते हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो सारी सीढ़ियाँ, सारे लिफ्ट सब खुला रहता है। मतलब कम से कम रात के समय में आप लोग सब तो हम एंट्रेंस एक करते हैं, ये शाम को 6 बजे के बाद करते हैं, सारे दिन सब कुछ खुला रहता है, और शाम को 6 बजे गार्ड लोग आते हैं, इसको सबको बाहर निकालते हैं और लॉक लगा के एंट्रेंस एक हो जाती है, जिससे कि कम से कम जो भी फीमेल स्टाफ है या इवन CCTV कैमरा लगा हुआ है, और उसके बाद पूरा यहाँ पर एक गार्ड जो है इनके पास रजिस्टर रहता है, और ये उसमें पेशेंट का अटेंडेंट का नाम मोबाइल नंबर नोट करते हैं, उसके बाद ही अंदर अलाउ होता है। एक और जो 36 घंटे की नौकरी वाला है, 36 घंटे की शिफ्ट वाला, वो क्या है, मतलब क्या 36 घंटे शिफ्ट लगती है डॉक्टर्स की? नहीं, हमारे हॉस्पिटल में 36 घंटे की ड्यूटी नहीं लगती, हमारे यहाँ जो DRP रेजिडेंट भी आते हैं मैक्सिमम उनकी हम 12 घंटे ड्यूटी लगाते हैं। और मतलब बीइंग अ वुमन आप क्या कहना चाहेंगी, जो भी कोलकाता में हुआ है, जो इस तरह की घटनाएँ सामने आती हैं, हालांकि इससे पहले भी और बाद में भी, इस घटना के बाद भी उत्तराखंड से भी एक ऐसी खबर सामने आई है। देखिए, जो कलकत्ता की घटना है वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए है, अगर आप उसको अपना परिवार का सदस्य सोच के, आप सोच भी नहीं सकते कि उस सीमा तक, मतलब वो बहुत दर्दनाक है। हमको लगता है कि हर अस्पताल को अपने और हर डॉक्टर को अपनी कोलीग जो वुमेन पार्टनर है उसका ध्यान रखना चाहिए, अपने घर के सदस्य की तरह ही ध्यान रखना चाहिए, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी चाहिए कि उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। क्या बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है खासतौर से सरकारी अस्पतालों में? इसकी दो वजह मुझे लगती है कई बार, एक तो ना पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको बहुत ज्ञान नहीं है, जो सुनना नहीं चाहते आपको, अनअवेयर हैं बहुत सारी चीज़ों से, दूसरा ना वो बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है, पैसे के चक्कर में ना वो सरकार प्राइवेट अस्पतालों का रुख ही नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा है, अभी 4 बज रहे हैं शाम के और आप देख रहे होंगे यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि OPD हमारी बंद हो चुकी है, इसके बाद भी लेबर रूम के सामने इतनी भीड़ लगी हुई है,
तो ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। 1 रुपए की पर्ची बनती है, उसके बाद यहाँ पूरे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और सारी दवाएं फ्री मिलती है। तो 1 रुपए में अगर इतना काम, जो प्राइवेट में जाने में 1 लाख रुपए पर डे का खर्च है, यहाँ वेंटिलेटर सुविधा भी मौजूद है। वेंटिलेटर जो प्राइवेट में 50,000 पर डे का लगता है, और हमारे यहाँ वेंटिलेटर से 50% पेशेंट ठीक होके जाते हैं। मैंने देखे अभी आपके अंदर पेशेंट। जी जी, तो कुल मिलाकर ये मतलब एक तरह से सफलता है। सफलता है, और हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सैनिक बल से जो है सिक्योरिटी गार्ड लेने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो 15 दिन बाद यहाँ सिक्योरिटी गार्ड और मजबूत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक। तो देखा आपने किस तरह की सिक्योरिटी और किस तरह की पहले से ही प्रिपरेशन रहती है। और सवाल फिर से वही है कि जो जघन्य अपराध हुआ है, जल्द से जल्द उसके गुनहगारों को खोजा जाए, गुनहगारों को गिरफ्त में लिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिससे कि डिटरेंट एक बड़ा मैसेज समाज के भीतर हो। कैमरामैन अनिल के साथ शशि तुषार शर्मा, नोएडा आज तक।